good morning students of msc second semester welcome all of you in the video lecture class today today i will discuss about zia larva that are the larva is found in the आर्थोपोर्ट्स डैट इज़ क्रस्टेशन लारवास इसके पहले हमने तीन लार्वा के बारे में डिस्कस किया था अभी इसके अलावा भी पांच लार्वा हैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो ज़िया लार्वा का स्ट्रक्चर सामने है ये इस फुल इस इस्टचर इसको आप देख लीजिए ये ज़िया लार्वा है। ज़िया लार्वा का स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर आप देख लेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन इसका जो डिस्कस जो है आसान हो जाएगा ये इसकी बड़ी सीधे के आई दिख रही है ये इसका रोस्टम वाला भाग है यानी आगे का माउथ के सामने वाला भाग रोस्टम सूंड वाला भाग एंटीन है ये ये एंटीना है ये मैंडिबल्स हैं ये मैगजिली मैगजिला है फर्स्ट मैगलीपीड सेकेंड मैगजिलीपीट्स इधर फिर इसके बाद इधर थोड़ा ऐसी अपनडेजेज हैं काउडल फ़र्क इधर है काउडल रीजन में ये एब्डोमिनल सिगमेंट्स हैं तीन चार हैं कहरा पेस ये एरिया है ये इसका हर्ट है और ये जो है कि बैक साइड में जो है कि मीडियन डार्सल स्पाइन है स्पाइन। इस, इस तरह का ये स्ट्रक्चर आपके सामने ज़िया लारवा का दिख रहा है अब इसके जो पिकुलरिटीज़ हैं इसके जो फीचर्स हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखें और इसी को डिस्क्राइब करना है तो ज़िया लार्वा हैज ए वेल फार्म्ड हेड इसका हेड देखिए अच्छा खासा हेड है वेल well फार्म अच्छी तरीके से बना हुआ है यानी पूरे बॉडी में हेड ही रीजन तो साफ साफ दिख रहा है फार्म हेड विथ लॉन्ग और इस हेड के साथ और क्या है विथ लॉन्ग मीडियन डार्सल स्पाइन इस हेड के साथ एक मीडियन डार्सल स्पाइन देखिए लंबा सा लगा हुआ हैड जैसे लंबा सा है विथ लॉन्ग मीडियन डार्सल स्पाइन कांटे की तरह से लगा हुआ है हु हु टू स्टाल्ड स्टार्क्ड कंपाउंड आईज और इसके पास जो है कि ये दो जो है कि कंपाउंड आई लगे हुए हैं एक एक तो इस साइड से दिख रहा है एक उस साइड से है इसलिए वो दूसरी आई दिख नहीं रही लेकिन दो होते हैं तो टू स्टाल मतलब स्टाल के साथ लगा होता है यानी उसके बाद तो एक डंठल नुमाइए लगा हुआ है इस्टाल कंपाउंड आईज एंड वन सिंपल आई यानी दो जो है कि स्टाल्ड आई हैं और एक सिंपल आई भी इसी से जुड़ा होता है ऑल अपनडिज फ्राम एंटीन्यूल्स टू द लास्ट पेयर्स ऑफ मेजीपीट्स आर प्रजेंट आल अपेंडिज अपेंडिज इसमें देखिए थोड़े से अपनडेज हैं आल अपनडिज फ्राम एंटीन्यूल एंटीन्यूल के बाद ये एंटीन्यूल है एंटीन्यूल के बाद सब देखिए अपेंडिज लगातार लाइन से लगे हुए आल अपेंडिजेज फ्राम एंटीन्यूल टू द लास्ट पेयर्स ऑफ और इसका लास्ट जो पेयर है अपनेडिज का कौन है लास्ट पेयर था मैग्जिलीपीड्स ये मैगजिलीपीड है मैग्लीपीड का जो लास्ट वाला so, मैग्लीपीड्स आर प्रजेंट और इसमें क्या दिख रहा है कैरापेस इज वेल फार्म कैरापेस देखिए अच्छा खासा कैरापेस बना हुआ है <coughs> वेल फार्म्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट इन टू द रोस्टम और ये रोस्टम के इधर रोस्टम है इसी के ठीक सामने मौजूद है ये रोस्टम है रोस्टम के ठीक सामने ये कैरापेस ये लगा हुआ है यहाँ से मतलब कैरापेस थोरैक्स इज अनसिगमेंटेड इसका जो थोरैक्स है यानी जो चेस्ट वाला भाग है वो अन सिगमेंटेड यहाँ पर देखिए कोई सिगमेंटेशन नहीं है अनसिगमेंटेड एंड रूडिमेंट्री एट इट्स हिंडर इंड और इसका जो हिंडर इंड है यानी कि जो पिछला हिस्सा यानी कि इसका थोरैक्स का वो रूडिमेंट्री है देखने ये जो अपनडिजे छोटे छोटे हैं यहाँ पे ये यहाँ पे ब्लॉक है रूडिमेंट्री है बहुत मतलब सिंपल नेचर का एबडोमन इज वेल फार्म इसका एपडोमन जो है अच्छा खासा है देखिए यहाँ से लेकर ये एबडोमन वाला भाग है ये एबडोमन इज वेल फार्म्ड एंड सिक्स सिगमेंटेड और छः सिगमेंट इसमें एक दो तीन चार पाँच छः छः सिगमेंट हैं एबडोमन छः सिगमेंट में बटा हुआ है सिक्स सिगमेंटेड बट इट हैज़ नो अपनडिज इसमें कोई अपेंडिज देखे नहीं है कोई अपेंडेज अपेंडिजेज एक्सेप्ट ए फॉर्ड टेल्सन छोड़ करके टेल्सन ये वाला इसका जो भाग ये जो टेल्सन यानी लास्ट वाला जो सेगमेंट है ये इसका टेल्सन है टेल वाला भाग है ये दो भागों में बटाओ एक इधर एक इधर फॉर्कड टेल्सन इट स्विम्स बाय इट्स बाय रैमस स्विम्स बाय इट्स बाय रैमस मैग्लीपीट्स और ये जो है कि जिया लार्वा पानी पर कैसे तैरता है बाय रैमस मैगजिलीपीट से तैरता है और ये तो 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 मैगली पीठ यहाँ दिया फर्स्ट मेगली सेकंड सेकेंड एक ये मैगली तो है और ये जो है कि बाइरामस होता है दो भागों में बटा होता है ये देखिए एक इधर एक इधर दो भागों में ये बटा हुआ इसी तरह से ये भी दो भागों में एक इधर है एक इधर एक इधर है ये जो है कि इसी से तैरता है इसी से इसे स्विमिंग करता है इस तरह से देखा हमने जिया लारवा ज़िया लारवा और उसके बाद नेक्स्ट जो लार्वा है ये जिया लारवा क्रैब में पाया जाता है ज़िया लार्वा ऑफ क्रैब अब इसके साथ साथ नेक्स्ट जो लार्वा देखिए साइप्रिस लार्वा। सी वाई पी आर आई एस साइप्रिस लार्वा। साइप्रिस लार्वा क्या है इस इसका भी पहले स्ट्रक्चर आप यहां देख लीजिए लारवा है साइप्रिस लार्वा। इसका देखिए ये कंपाउंड आई है ये इसका एंटीन्यूल है ये माउथ है ये एलिमेंटिक यानी गट है ये इसका थोड़ा सिक लिम्ब है ये थोड़े से लिम्ब लगे हुए हैं और ये इसका लास्ट पोस है एनस है ये एबडोम ये सिंपल सा साइप्रस लार्वा आप लिपस, लिपस का जो है ये लार्वा है इसको साइप्रस लार्वा कहते हैं इसको हम डिस्क्राइब करेंगे साइप्रस लार्वा, साइप्रस लार्वा में साइप्रस लार्वा इज कवर्ड बाई ए बाई बाई शेल हाइविंग एडक्टर मसल साइप्रस लार्वा जो है एक बाई शेल द्वारा जो है कि ढका होता है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है इस लारवा के ऊपर बाइवाल्व होता है यानी दो भागों में बटा होता है यानी से दो वाल्व होते हैं बाइवाल्व शेल से ढका होता है और ये शेल जो है इसके अंदर जो है जो लगा होता है वो एडक्टर मसल होता है यानी उसी एडक्टर मसल्स से ये बाईवाल दो भागों बटा वाल्व होता है शेल यानी कि समय आने पर खुल जाता है फिर बंद हो जाता है और खुलने और बंद करने के लिए इसके साथ जो मसल्स जुड़े हुए हैं वो एडक्टर मसल्स हैं यानी एडक्टर मसल से अपने जो है कि दोनों शेल को खोलता है और बंद करता है दरवाजे की तरह से हेड हैज़ कंपाउंड आईज हेड पर अभी आपने देखा फिगर में एक कंपाउंड आई लगा हुआ है यानी आप देखिए जितने भी यहाँ पैरास पैरासाइट जितने भी लार्वा क्रस्टेशन में आप देख रहे हैं सब में जो आई है वो कैसा है कंपाउंड आई है कंपाउंड आई का मतलब होता है उसमें अनेकों फिगर्स एक साथ बनते हैं हेड्स हाइज कंपाउंड आईज एंटीनूल विथ डिस्क ऑन विच सीमेंट ग्लैंड ओपन एंटीन्यूल जो है डिस्क के साथ लगा हुआ है इस स्पीकर में आप देखेंगे तो सामने आएगा यह देखिए एंटीनूल है एंटीनूल के ऊपर यहाँ पे डिस्क लगा, लगा हुआ है ऊपर एंटीनूल तो है लेकिन यहाँ पे डिस्क लगा हुआ है डिस्क तो लगा हुआ है एंटीनूल विथ डिस्क ऑन विथ सीमेंट ग्लैंड ओपन यानी इसके जो मुँह पे जो है जो है नुमा जो दिख रहा है ये सीमेंट ग्लैंड यहाँ पर खुलता है यानी सीमेंट ग्लैंड है ये इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिससे वो कहीं पे भी उसे छोड़ सकता है छोड़ता है जैसी जरूरत होती है उसको सीमेंट ग्रैंड लगा हुआ है सीमेंट ग्रैंड सोपन उधर से ऊपर एंटीनी आर लास्ट एंटीनी नहीं इसमें होता है एंटीनी इसमें मतलब वो एंटीनी आर लास्ट यानी इसमें एंटीनी लास्ट कर जाता है नहीं होता है बट रिमेनिंग सिफेलिक अपेंडेजेज आर प्रजेंट लेकिन इसके जो हेड रीजन में यानी हेड रीजन जो अपनेडिजेज हैं वो दिखाई रिमेनिंग सिफेलिक अपेंडिजेज आर प्रजेंट हेड रीजन में जो अपेन्डिजेज हैं वो सिफेलिक अपेंडिज पाए जाते हैं थोरैक्स है सिक्स पेयर्स ऑफ बाई रेमस इसके थोरैक्स वाले पार्ट में छः पेयर जो है कि बायरेमस लिम्ब पाए जाते हैं अगर हम देख लेते हैं यहाँ देखिए थोरैसिक लिब है छः पेयर होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः पेयर जो है कि जैसे ये सामने से छः दिख रहे हैं इसके उस साइड में भी होंगे यानी डबल होते हैं थोरैसिक ऐसी लिम्प ये जो है कि पाए जाते हैं तो थोरैक्स हैज सिक्स पेयर्स ऑफ बाई यानी दो भागों में बटे हुए रेमस पाए जाते हैं बाई रैमस लिम्ब देयर इज एन एवडोम ऑफ फोर सीमेंट और यहीं पे इसका जो एब्डोमेन है वो पांच फोर सीमेंट चार सिगमेंट का एब्डोमेन होता है ये जो इसका एब्डोमेन है यहाँ से यहाँ तक लेकर के एफडोमेन एब्डोमेन है एब्डोमेन में जो है कि चार भागों में ये बटा हुआ सिगमेंट होता है एब्डोमेन ऑफ फोर सिगमेंट्स इट हैज़ मेनी एडल्ट फीचर्स इट हैज़ मेनी एडल्ट फीचर्स यानी इसके अंदर बहुत से एडल्ट फीचर हैं यानी एडल्ट में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो इसमें बहुत से पाए जाते हैं जैसे एलिमेंटिकन जैसे ये गट है ये सब जो है कि एडल्ट में ही पाए जाते हैं तो इसमें कुछ एडल्ट के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन सीरीपीडिया सीरीपीडिया क्रस्टिसियन का एक जो ग्रुप है इसमें एक एग्जाम्पल होता है लिपास एल ई पी एस लिपास लिपास में ये लार्वा पाया जाता है द एग हैचेस एज ए नोपलियस जब इस लिपास का जब एग जो हैच होता है यानी जब टूटता है फटता है तो उसमें से जो निकलता है सबसे पहले वो नोप्लियस लार्वा होता है नोप्लियस जो सबसे पहले आपने नोप्लियस लार्वा के बारे में स्टडी किया है लार्वा क्योंकि हर हर क्रस्टेशियन में सबसे पहले जो नोप्लियस लार्वा ही बनता है नोप्लियस लार्वा पहले बनता है उसके बाद चेंज हो फिर इट चेंजेज इन साइप्रियस यानी उसके बाद ही वो नोपलियस लार्वा इस फार्म में यानी जो अभी फिगर दिखाया गया इसमें बदल जाता है विच गेट्स फिक्सड बाई डिस्क उसके बाद वो जो है डिस्क द्वारा जो है किसी एक स्थान पर फिक्स हो जाता है फिक्सड बाई डिस्क ऑफ एंटीनूल्स विथ दिक्रीसन ऑफ सीपेंड्स अभी हमने जो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख बताया है जो इसका जो एंटीनूल पर एंटीनूल पर जो ये डिस्क लगा हुआ है ये जब ये साइप्रिस लारवा न्यूप्लस लारवा के बाद साइप्रिस लारवा बनता है तो ये किसी स्थान पे जाके इसमें से सीमेंट ये सीमेंट ग्लैंड सीमेंट ग्लैंड में से एक सीमेंटेड यानी कि चिपचिपा पदार्थ निकालता है और उसी से वो वहाँ पे चिपक जाता है फिक्स हो जाता है किसी स्थान पे जाके फिक्स हो जाता है ये इसकी एक विशेषता है सीमेंट ग्रैंड देन इट बिकम्स ए प्यूपा उसके बाद ये प्यूपा बनाता है प्यूपा जैसा स्ट्रक्चर इस इसका बन जाता है देन इट बिकम्स ए प्यूपा विच शेल प्लेट्स प्यूपा बन जाता है फिर उसके बाद जो है कि एक शेल प्लेट बनता है उसके ऊपर यानी एक मोटा सा हार्ड जो है शेल प्लेट बनता है एंड रोटेट्स टू और उसके बाद ये घूमता है उसी स्थान पे राउंड में घूमता है रोटेट्स टू एज्यूम द एडल्ट फार्म और उसके बाद इस तरह से वो घूमता है फिक्स स्थान पर चारों तरफ रोटेट करता है जैसे लगता है कि कोई एडल्ट फार्म यानी कोई एडल्ट कोई कोई ऐसा इंसेक्ट है जो एडल्ट है जबकि होता है लार्वा है तो इसको हम साइप्रस साइप्रस लार्वा बोलते हैं ये आपने इसका जो की स्टडी किया नेक्स्ट लार्वा जो आपके सामने हम लेके हाजिर है अब दूसरा है माइसिस और साइजोपोड लार्वा साइजो लार्वा माइसिस और साइजोपोड लार्वा ये इस लार्वा का भी आप स्ट्रक्चर देखिए सामने देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका इसमें भी यहाँ एक कंपाउंड आई है ये रोस्ट्रम है ये यह वाला भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका देखिए ये एबडोमिन है सबसे लास्ट पर्सन टेल्सन टेल वाला भाग यहाँ पे यूरोपोर्ट भी बना हुआ है प्लियोपॉड में जो है जैसे कि प्राण में पाया जाता है प्लेपॉड थोड़ा ऐसे कैपेंडेजेस यहाँ पे हैं ये एंटीना है ये एंटीन्यूल है ये रोस्टम है इस तरह से आप इसको, इसको देखने के बाद आपको जैसे लगा होगा कि जो है कि जैसे प्राण का जो है बॉडी होती है उसी तरह का ये लार्वा मौजूद है प्राण भी तो जो है कि आर्थोपोड ही है तो माइसिस और साइजोपोड लार्वा इसके दो नाम एक माइसिस लार्वा की है चाहे साइजोपोड लार्वा भी की है। तो कह सकते हैं माइसिस और साइजोपोड लार्वा रिजेम्पल्स एन एडल्ट माइसिस यानी जो ये जो है माइसिस जैसे लगता है कि कोई ये लार्वा ना होकर के बल्कि जो है कोई एडल्ट इंसेक्ट है कोई एडल्ट आर्थोपोडा है तो इसीलिए इसका जो है कि नाम साइजोपोड लार्वा या माइसिस भी कहते हैं यानी नहीं लगता कि कोई लार्वा, बल्कि लगता कोई है कोई एक इंसेक्ट है। हेड एंड थोरैक्स हैव एक कैरापेस हेड और थोरैक्स। इसका ये ये जो हेड वाला भाग है हेड है और ये इसका थोरैक्स वाला भाग है ये यह। यहाँ पे जो है कि इसमें हेड एंड थोरैक्स हैव है कैरापेस और कैरापेस पाया जा रहा है यानी कि इसी पे कैरापेस का मतलब ऊपर से जो काइटिन का बना हुआ क्विटकल का जो लेयर होता है उस कैरापेस होता है तो हेड और जो है कि थोरैक्स के ऊपर कैरापेस पाया जाता है ऑल सिफेलिक एंड थोरैसिक अपनेडिजेज आर प्रजेंट सिफेलिक रीजन में यानी हेड रीजन में और थोरैसिक यानी चेस्ट रीजन में अपेडिज जो है कि पाए जा रहे हैं सभी अपनेडेजेस पाए जाते हैं सिफेलोथोरैक्स यानी सिफेलिक रीजन है और उसके बाद यहाँ से देखिए ये इसका जो है ये थोरैसिक रीजन है थोरैसिक अपेंडेज यहाँ से देखें थोरासिक अपेंडेजेस इसमें और इसमें भी अपेंडिजेस पाए जा रहे हैं इस तरह से थोरेसिक अपेंडिजेस पाए जा रहे हैं थोरेसिक अपेंडिजेस आर थोड़े अपेंडिजेस आर प्रेजेंट बट आर थोरेसिक अपेंडिजेस आर एलाइक एंड बाई रेमस और जितने भी अपेंडिजेस है, हैं वो बाई रेमस हैं एक तरह के हैं लगभग एक समान दिखाई देते हैं और बाई रेमस होते हैं विथ एग्जोपोडाइट्स और सब में एक्जोपोडाइट्स लगे होते हैं ये एक्जोपोडाइट्स मतलब ये देखिए ये जो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए सब ये अपनेडिजेज uh, हैं लेकिन इसमें जो है ये नीचे सब में एक्जोपोडाइट्स इसे बोलते हैं एक्जोपोडाइट्स लगे हुए हैं कहीं जैसे लगता है वो अलग से उससे जुड़ा हुआ है एबडोमन हैव एबडोमन हैज फाइव पेयर्स ऑफ प्लियोपोट्स एपडोमन में पाँच uh, पेयर जो है प्लेपोर्ड पाए जाते हैं देखिए यहाँ से एक दो तीन चार एक पाँच पाँच पेयर जो है कि प्लेपोड पाए जा रहे हैं इसमें एंड द सिक्स फ्राम यूरोपोर्ट और जो है कि जो छठवें नंबर का है वो जो यूरोपोर्ट है यहाँ पर देखिए इन डेकापोडा फॉर एग्जाम्पल पेनियस डेकोपोडा में एक एनिमल है पीनियस इसी में ये पाया जाता है ये लार्वा ए मैरीन प्राण ये जो कि समुद्रों पाए जाने वाला प्राण है और इसी का ये लार्वा है द एग हैचेज एज द एग हैचेज एज नोपलियस इसमें भी जब एक यानी कि पीनियस पेनियस जो ये समुद्री प्राण है झिंगा मछली है इससे भी जब इसका एक हैच होता है यानी टूटता है तो उसमें से निकलता है जो सबसे पहले जो लारवा निकलता वो लार्वा है वो नोप्रियस लारवा होता है फिर उसके बाद इट पासिस बाई सक्सेसि मोल्ट थ्रू द ज़िया स्टेज फिर उसके बाद इसमें से मोल्टिंग होती है यानी कि इसको ऊपर का जो कैचुल होता है यानी ऊपर का जो क्यूटकिल हार्ट पार्ट होता है वो निकलता है पीरोडिक कंडीशन में तो उसे मोल्ट बोलते हैं तो जो सक्सेसि मोल्ट होते हैं उसके थ्रू क्या बनता है ये ज़िया लारवा बनता है यानी कि नोपलिस लारवा बनता है उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर ज़िया लारवा बनता है जो भी आपने पढ़ा है ज़िया लारवा के बाद फिर प्रोटोज़िया लारवा बनता है प्रोटोजिया स्टेज में ये जो है कि इंटर करता है फिर उसको माइसिस स्टेज में आता है माइस एंड माइसिस स्टेजेस, विच चेंज इन टू एन एडल्ट और माइसिस के बाद फिर उसके बाद ये जो है कि इस है। ये माइसिस है माइसिस लारवा बन जाने के बाद फिर ये एडल्ट में चेंज हो जाता है यानी कि इसमें जो है कि ये जो लार्वा है ये क्योंकि कई क्यों तरह के लार्वा हैं तो वह पड़ चुके हैं नोपलियस बनता है पहले फिर जिया लार्वा बनता है फिर प्रोटोजिया लार्वा बनता है फिर माइसिस बनता, बनता है मायसिस और फिर एडल्ट बन जाता है यानी कई जो है कि लार्वा के फार्म इसमें देखने को मिलते हैं इन सब लोबोस्टर कुछ लोबोस्टर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है होमोरस होमेरस होमेरस में जो है कि बोथ नोपलियस एंड ज़िया आर पासड विदिन द एक्स यानी कि नोपलियस जो होमोरेमस एनिमल्स में इंसेक्ट के अंदर नोपलियस लार्वा और जिया लार्वा, ये दोनों उसके एक के अंदर ही होते हैं यानी ये दोनों लार्वा का स्टेज उसके एक के अंदर रहते रहते पास हो जाता है यानी गुजर जाता है जब वो टूट के जब बाहर आता है यानी बाहर निकलता है एक से इट हैच एज ए माइसिस लारवा तो बाहर निकलता है तो माइसिस लारवा के रूप में बदला हुआ होता है मायसज लारवा होता है उसके बाद फिर विच चेंजेज इन टू एडल्ट फिर उसके बाद वो एडल्ट फार्म में आ जाता है इस तरह से आपने देखा कि ये एक ऐसा मायसर लारवा ऐसा है इसके पहले इसे में कई लार्वल स्टेज आते हैं उसके बाद फिर ये जो है बाहर आता है ये विलक्षण है यही सब जो पिकुलरिटी या इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखते हुए इसमें आपको जो है पढ़ने के लिए सेलेबस में दिया गया कि लार्वल स्टेज इन क्रस्टेशियन इसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर के कुछ और जैसे ये सिक्स लार्वा तक हो गया अभी जो है कि सात आठ नौ तीन लार्वा और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के डिस्क्रिप्शन के लिए आएंगे तो अभी जो है कि ये लार्वा हमने जो आपने देखा इसका स्ट्रक्चर को पहले माइंड में रखेंगे उसके बाद स्ट्रक्चर को माइंड में रखने के बाद फिर उसके जो है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्क्राइब करेंगे तो जिस तरह की क्वेश्चन बनेगा इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं शार्ट नोट भी बन सकते हैं तो इसका आप जैसा भी होगा तैयार कर लेंगे ओके